विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के हौसले बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को प्राथमिकता दी है। उनका कहना है कि पूर्ण बहुमत से यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है और योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन और सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा पहुंचे। दोपहर 12 बजे वो खेरिया एयरपोर्ट से कार्यकर्ता संवाद में पहुंचे। यहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली है, 2022 में सपा का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि आगरा में अभी हम सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे। जनता का रुख भाजपा की ओर है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा का गठबंधन गुंडागर्दी, माफिया और उत्तर प्रदेश के लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वालों का है। इस बार लड़ाई पलायन करवाने वालों और प्रदेश की जनता को बचाने वालों के बीच में है। सपा की जो लिस्ट आई है उससे साफ हो गया है कि नई सपा नहीं, वही सपा है जिससे जनता पहले से ही खफा है। इसीलिए 2022 में सपा सफा है। या लड़ाई पलायन करवाने वालों से बचाने वाली और पलायन करने के लिए मजबूर करने वालों के बीच में है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची आई है उस सूची को देखने के बाद जनता ने एकदम समझ लिया है कि जो श्री अखिलेश यादव जी यह बयान देते थे कि ये नई सपा है, तो वह नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता बहुत पहले से ही खफा है। इसलिए 2022 में सपा पूरी तरह से सफा है। विशेष तौर से आज आगरा में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। आगरा के सभी 9 सीटों के अपने सभी मतदाता भाई बहनों से अपील भी कर रहा हूँ कि एक बार फिर से सुशासन देने वाली, विकास करने वाली और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत रहने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां देने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अवसर दें और कमल का फूल खिला करके विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में केंद्र और प्रदेश सरकार ने डबल इंजन की सरकार को और मजबूत बना